CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. कपिल नगर थाने के तहत ऑटोमोटिव चौक स्थित SS Bodyworks नामक गैरेज में ट्रक के डीजल टैंक की वेल्डिंग करते समय भारी विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में एक गैराज कर्मचारी की गंभीर रूप से झुलसकर मौत हो गई। मृतक तकदीर राज कामले बताया जा रहा है, जबकि गैराज मालिक सुखबात सिंह चहल व ट्रक मालिक सुखचंद सिंह गुल्लर सहित तीन लोग जख्मी हो गए हैं। इस घटना से ऑटोमोटिव चौक पर खलबली मच गई। यह हादसा शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार SS Bodyworks गैराज के मालिक चहल के पास सुबह ट्रक मालिक गुल्लर गाड़ी का डीजल टैंक साफ व वेल्डिंग कराने के लिए आए थे, जिसके बाद गैराज कर्मी तकदीर राज ने कटर से डीजल टैंक काटना शुरू किया। इसी दौरान गैराज मालिक चहल, ट्रक मालिक गुल्लर तथा कुछ दूरी पर उसका दूसरा कर्मचारी योगेश नक्के खड़े थे। टैंक को कटर से काटने के दौरान ही भयंकर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की आग में तकदीर राज 80% तक झुलस गया, जबकि चहल और गुल्लर 70-75% और योगेश 15% तक झुलस गए। चहल, गुल्लर और योगेश को कामठी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि तकदीर राज की नाजुक हालत को देखते हुए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु होने की पुष्टि कपिल नगर के पुलिस अधिकारियों ने की है। ही घटना झाली आज तारीख 19 दुपारी 11:30 दरम्यान झाली। ऑटोमेटिक चौकामध्ये एक SS बॉडी शॉप नावाचं गॅरेज आहे, ते सुखबाल सिंग या चहल यांच्या मालकीचं आहे। त्या ठिकाणी सुखबाल सिंग आणि त्यांचा जो एम्प्लॉई आहे तकदीर राज कांबळे, हे दोघं काम करतात। आज ते काम करत होते आणि त्यांना एक ट्रक मालक आहे, त्यांची ट्रकची जी डिझेल टँकी तिचं काम करायचं होतं, साफसफाई करून आणि त्यांना वेल्डिंग करायचं काम त्यांनी दिलं होतं। ते दोघं गॅरेज मालक सुखबाल सिंग आणि त्यांचा एम्प्लॉई तकदीर राज असे दोघं ते कटरने ते डिझेल टँकी जी ट्रकची तिचं कापून ते साफसफाई करण्याचं काम करत होतं। तर अचानक त्या ठिकाणी विस्फोट झाला आणि त्यामध्ये ते चौघजण जखमी झाले। त्यात गॅरेज मालक सुखबाल सिंग हा 75% भाजला गेला आणि तो जो त्याचा एम्प्लॉई तकदीराज हा सुद्धा 80% जवळजवळ भाजला गेला आणि दोघं गंभीर जखमी दुखापत झाले। त्यासोबतच तो टँक ट्रकचा जो टँकवाला होता तो सुद्धा त्या ठिकाणी हजर होता, तो सुद्धा त्या ठिकाणी जखमी झाला, 35% भाजला गेला। आणि यांच्यासोबत एक काम बघण्यासाठी आलेला एक दुसरा इसम तो पण त्यात 15% भाजला गेला। आम्ही जशी घटना मिळेल त्यावेळेस घटनेची माहिती मिळाली, मी स्पॉटला पोहोचलो। दोघं तिघं जखमींना आम्ही हालो ताबडतोब हलवलं आहे आणि होप हॉस्पिटलमध्ये त्या तिघांना ॲडमिट केलं आहे। पैकी तुझं होतं तकदीर राज होतं ॲम्ब्युलन्स, त्याला आम्ही गंभीर जखमी असल्यामुळे त्याला मेडिकल हॉस्पिटलला हलवलं होतं। उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे। दोघांची परिस्थिती आता तब्येत एकदम अतिशय गंभीर आहे, आयसीयूमध्ये उपचार चालू आहे। वही गैराज मालिक चहल और ट्रक मालिक गुल्लर का आईसीयू में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सुगत नगर फायर स्टेशन की एक गाड़ी और कपिल नगर पुलिस टीम घटनास्थल पहुंच गए। खबर मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल